देखिए आज की क्लास में एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं लर्निंग कर्व। देखिए लर्निंग कर्व एक ऐसी टेक्निक है जहां पर एक मैन्युफैक्चरर एक ही काम यदि बार बार करवाता है अपने वर्कर से, तो वर्कर का जो टाइम है वो पहली बार में ज्यादा लगता है, दूसरी बार में उसी काम को करने में कम लगता है, जिसकी वजह से पहली यूनिट बनाने की लेबर कॉस्ट ज्यादा आएगी और दूसरी यूनिट बनाने की लेबर कॉस्ट पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पहली बार का समय वर्कर का ज्यादा होगा, दूसरी बार का समय कम होगा। अच्छा, लर्निंग कर्व टेक्निक कहां पर यूज हो सकती है? जहां पर वर्कर इस तरीके से काम करते हैं कि वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं और सीखने की वजह से पहली बार, क्योंकि उनके पास नॉलेज कम होती है किसी काम को करने की, इसलिए उन्होंने समय क्या लिया, ज्यादा। लेकिन जब दूसरी बार उन्होंने उस काम को किया तो पहली बार जो उसको अपने में कमी दिखाई दी उसने वो कमी दूर कर दी, जिससे दूसरी यूनिट बनाने में उसको समय क्या लगा, कम। जब उसने फिर तीसरी, चौथी, पांचवी यूनिट बनाई तो हर बार उसको लगा मुझसे कुछ ना कुछ पहले गलती होती जा रही है, जिसकी वजह से मेरा समय क्या लग रहा है, ज्यादा। और वो हर बार अपने आप को इंप्रूव कर रहा है, जिसकी वजह से हर बार उसका टाइम पहले से क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ऐसी टेक्निक को हम कहते हैं लर्निंग कर्व टेक्निक, जिससे आप अपनी कॉस्ट को पर यूनिट क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है, किसी भी बिजनेस में हमारी जो टोटल कॉस्ट होती है वो हम कैसे पता लगाते हैं कितनी है। तो टोटल कॉस्ट में एक हमारे पास है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरी हमारे पास में है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का लर्निंग कर्व से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वर्कर एक घंटे में चार यूनिट बनाए या एक घंटे में पांच यूनिट बनाए या एक घंटे में छह यूनिट बनाए, फैक्ट्री का जो रेंट है वो तो उतना ही जाएगा जितना जाता है। तो लर्निंग से फिक्स कॉस्ट का कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें हमारी तीन तरीके की वेरिएबल कॉस्ट है। एक हमारे पास में आती है मेटीरियल कॉस्ट, दूसरा आपके पास है लेबर कॉस्ट और तीसरा आपके पास है वेरिएबल ओवरहेड। लेबर कॉस्ट निकालने के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं लेबर आवर्स इनटू लेबर रेट पर आवर, और वेरिएबल ओवरहेड निकालने के लिए हम निकालते हैं मशीन आवर्स इनटू मशीन आवर या मशीन रेट, मतलब जो भी खर्चे है फैक्ट्री के वो ले सकते हैं। यानी मशीन आवर्स का ना जितने घंटे मशीन चली इनटू वेरिएबल ओवरहेड पर मशीन आवर, मान लीजिए एक यूनिट बनाने में वर्कर 100 घंटे काम करता है या 10 घंटे ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक यूनिट बनाने में यदि वर्कर 10 घंटे का समय लेता है और मान लीजिए हमारी मशीन भी उस यूनिट को बनाने में 10 घंटे चलती है और एक घंटे का खर्चा हमारा 50 रुपए है वर्कर का और एक घंटे का मशीन का खर्चा, जिसे हम कहते हैं वेरिएबल ओवरहेड पावर कॉस्ट ले सकते हैं, एग्जांपल में हम क्या ले सकते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी जो मशीन को चलाने में यूज हो रही है जिसको हम कहते हैं पावर कॉस्ट, वो सपोज करते हैं एक घंटे की 20 रुपए। इसका मतलब है एक यूनिट बनाने में मेरी लेबर कॉस्ट कितनी आएगी, 500 रुपए, और एक यूनिट बनाने में मेरा वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा कितना आएगा, 200 रुपए। मान लीजिए वर्कर जैसे ही उसने पहली यूनिट बनाई इमीडिएटली उसने दूसरी यूनिट बनाना स्टार्ट कर दिया, मतलब पहली यूनिट बनाई और इमीडिएटली उसने दूसरी यूनिट बनाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो दूसरी कौन सी यूनिट बना रहे, बिल्कुल वैसी यूनिट बना रहे जो उसने पहली बनाई। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन मैंने आज पहला सॉल्व किया, सेम वही क्वेश्चन मैं दोबारा करवाऊं तो आपको क्या लगता है, आपको समझने में ज्यादा टाइम लगेगा या मुझे समझाने में ज्यादा टाइम लगेगा? आपको समझने में भी टाइम कम लगेगा और सेम क्वेश्चन को दोबारा समझाऊंगा तो मुझे भी टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है ना? क्योंकि पहली बार आप उस काम को करने में बिल्कुल अनट्रेन थे, लेकिन जैसे जैसे आपने उस काम को बार बार करना स्टार्ट कर दिया आपको अपनी कमियां दिखाई देने लगी और आपने देखा यार उन कमियों को यदि मैं दूर कर दूं तो मेरा समय बचेगा, जिसकी वजह से मैं जल्दी काम पूरा कर दूंगा। तो वर्कर ने इसी काम को जब दूसरी बार किया तो उसने पहली बार की जगह, पहली बार में तो उसने 10 घंटे लिए, दूसरी बार में उसने कितने लिए, 9 घंटे। जब उसने 9 घंटे में गुड्स तैयार कर दिया तो मशीन भी तो उसने कितने घंटे इस्तेमाल की होगी,
9 घंटे, और जहां पे उसका 1 घंटे का खर्चा 50 रुपए था लेबर का, 9 घंटे का 450 आ गया, और मशीन चलाने का खर्चा उसका कितना आ गया, 180 रुपए आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि वर्कर अपने टाइम को सेव करता रहे तो लेबर कॉस्ट भी सेव होती है, और साथ साथ आपकी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट भी क्या होती है, सेव होती है। क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड किस पे डिपेंड करता है, लेबर पे। यदि वर्कर जल्दी काम कर रहा है किसी का, तो समझ लो मशीन भी कम देर के लिए चलाई जा रही है, और यदि मशीन कम देर के लिए चलेगी तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट भी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सपोज करते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व कराने में मैं नॉर्मली 1 घंटे का टाइम लेता हूं, लेकिन मैंने देखा यार जो बच्चे मेरे सामने बैठे बड़े स्मार्ट हैं, बड़े फास्ट हैं, जैसे मैं बोलता हूं उस बात को ग्रैप कर लेते हैं और इमीडिएटली आंसर भी दे देते हैं। तो वो क्वेश्चन जो मेरे को नॉर्मली आम बच्चों को 1 घंटे में समझाने में लगता था, आपको मैंने 45 मिनट में समझा दिया। अब इससे मुझे 2 फायदे हुए, मेरा प्रोजेक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है उस क्वेश्चन के लिए वो 1 घंटे के लिए लगेगी या 45 मिनट के लिए, 45 मिनट। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट कम होगी मेरी 15 मिनट की, साथ में मेरी लेबर कॉस्ट भी तो 1 घंटे की जगह कितने घंटे लगी, 0.45, 45 मिनट लगी। मतलब 15 मिनट का मैंने टाइम क्या कर लिया, सेव कर लिया, वो 15 मिनट में किसी और क्वेश्चन में लगाऊंगा। तो मेरी लेबर कॉस्ट एक क्वेश्चन की जहां 1 घंटे की आती थी वो 45 मिनट की आएगी, और जहां मेरा प्रोजेक्टर का खर्चा 1 घंटे का आना था बिल, वो उस क्वेश्चन के लिए कितना आएगा, 45 मिनट का। इसका ना वर्कर यदि जल्दी काम कर रहे तो लेबर कॉस्ट के साथ साथ हम वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट भी क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। बात समझ में आई, हाँ जी, कोई दिक्कत है इससे? तो हम ये कह सकते हैं कि जो लर्निंग कर्व है वो कहां पे एप्लीकेबल होता है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्यू टू लर्निंग कर्व लेबर कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड कैन बी सेव। ठीक है जी, लर्निंग कर्व की वजह से लेबर कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड को हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, मतलब रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एग्जांपल आपके सामने नोट कर लीजिए। ये तो रिकवरी रेट है, क्या बोलते हैं इसको, रिकवरी रेट। तो ये मतलब हमने कभी 1 घंटे का हम आपको 500 रुपए देंगे, आपने कहा मैं 10 घंटे काम करूं तो 500 लेके जाओगे। अब यदि आप उस काम को 10 घंटे की जगह 9 घंटे में करोगे तो मैं उस काम के आपको 500 की जगह कितने दूंगा, 450 दूंगा ना। 50 रुपए का रेट हमने जैसे निकाला हुआ टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स। नहीं, हमने तो वर्कर से बातचीत कर रखी है कि भाई तू 1 घंटे के कितने पैसे लेगा। अब जैसे मान लीजिए आप मेरे एक वर्कर हो, तो मैंने आपसे पूछा यार हमारी फैक्ट्री के अंदर रिमोट कंट्रोल बनते हैं, तो आप बताओ आर्ली बेसिस पे कितने पैसे लोगे। 20 का रेट तो हमने पहले से फिक्स कर रखा हो, तो बजटेड आवर्स के बेस पे निकाला होगा, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड वर्किंग आवर्स। तो हमने एक रेट निकाल दिया, रिकवरी रेट 20 रुपए। अब वर्कर यदि 10 घंटे की जगह उस काम को 9 घंटे में कर देगा, तो मैं उसको 20 रुपए के हिसाब से पहले 200 रुपए दिया करता था, तो कस्टमर से वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट कितनी मांग रहा था, 200। अब यदि वो काम मेरा 9 घंटे में पूरा हो जाएगा तो मैं अपने कस्टमर से 9 घंटे का वेरिएबल ओवरहेड कितना मांगूंगा, 180। इसका मतलब ये नहीं है कि वर्कर ने 10 घंटे का काम 9 घंटे में कर दिया तो 1 घंटे के लिए मैं उसको घूमने के लिए भेज दूंगा। मैंने कहा ठंड का टाइम है, जाओ धूप में जाके खड़े हो जाओ 1 घंटे, ऐसे थोड़ी बोलूंगा उसको मैं। अब मान लो उसने 3 यूनिट में 1-1 घंटे बचा दिए, तो 3 घंटे का टाइम बच गया, मैंने कहा जाओ मूवी देख लो 3 घंटे की एक। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि फैक्ट्री में से मैं उसको जाने की परमिशन दूंगा। यदि वो समय बचा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो समय खराब करने के लिए बचा रहा है, वो दूसरा काम इमीडिएटली क्या कर देगा, शुरू कर देगा, खाली क्यों बैठेगा। एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका 15 मिनट पहले सॉल्व हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि 15 मिनट इधर उधर देख के टाइम पास करते रहोगे, ये दोस्तों से कहोगे देख मेरा क्वेश्चन हो गया तेरा नहीं हुआ, तेरे को तो आता नहीं, तू नलायक है। इमीडिएटली आप दूसरा क्वेश्चन क्या करोगे, शुरू कर दोगे। तो जो पॉलिसी आपके एग्जाम में होती है वही पॉलिसी हमारी फैक्ट्री में होती है, खाली थोड़ी बैठने कोई काम जल्दी कर लिया। तो टाइम सेव करने का मतलब है कि नेक्स्ट प्रोडक्शन हम इमीडिएटली क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, ताकि सेम टाइम में वर्कर के, अब वर्कर यदि एक दिन में 20 घंटे काम करता है या 10 घंटे काम करता है या 5 घंटे काम करता है, मान लो 10 घंटे काम करता है, तो यदि वो 10 घंटे में 2 यूनिट बनाता था और अब वो 10 घंटे में 3 यूनिट बना देता है, तो मेरे लिए फायदा क्या, कि पहले भी मैं 10 घंटे के पैसे दे रहा था, अब भी 10 घंटे के दूंगा। फर्क इतना है कि पहले 10 घंटे की लेबर कॉस्ट का बर्डन 2 यूनिट पे आता था और अब 10 घंटे की लेबर कॉस्ट का बर्डन किस पे आएगा, 3 पे। तो मेरी पर यूनिट लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी ना। बेसिकली लर्निंग कर्व है क्या चीज, एक ऐसी टेक्निक जिससे एक मैन्युफैक्चरर अपनी पर यूनिट कॉस्ट को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। लेकिन कब, जब उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर कुछ सीख रहे हैं और सीखने की वजह से उनका अगली बार काम करने का जो समय है वो पहली बार के मुकाबले क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अच्छा, एक दिन ऐसा भी आएगा जहां पे वर्कर कहते हैं जी 10 से मैंने 9 कर दिए, 9 से 8 कर दिए, 8 से मैंने 6 कर दिए, लेकिन अब 6 से कम समय नहीं लगेगा। तो जिस दिन 6 से समय कम लगना बंद हो जाएगा, लास्ट टाइम 6 घंटे फिक्स हो गया, तो लर्निंग कर्व टेक्निक उस बिजनेस में एप्लीकेबल होना बंद हो जाएगी। अच्छा, आपको याद होगा जब आप नॉर्मल कॉस्ट शीट बनाया करते थे इंटरमीडिएट में, तो आप कहते थे सर एक यूनिट की लेबर कॉस्ट 10 रुपए, तो 1000 यूनिट की कितनी होगी। मैंने कहा 1000 × 10 = 10000। आपने कहा सर 15000 यूनिट बनाएंगे तो कितनी आएगी। मैंने कहा 15000 × 10 = 1.5 लाख रुपए। उस समय मैं लेबर कॉस्ट पर यूनिट को क्या मान के चलता था, कॉन्स्टेंट पर यूनिट को। बट इस चैप्टर में पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उस वाले चैप्टर में हम मान के चलते थे कि लेबर कॉस्ट पर यूनिट जो हमें बताई जा रही है वो लास्ट पॉइंट पे बताई जा रही है, जहां पे लर्निंग कर्व एप्लीकेबल नहीं थी। लेकिन जिन बिजनेस में लर्निंग कर्व एप्लीकेबल होता है उन बिजनेसेस में आपकी लेबर कॉस्ट पर यूनिट शुरू में ज्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होती रहती है, कम होती रहती है। देखिए भाई, एक एग्जांपल लेके आपको और समझाता हूं। सबसे पहले मान लीजिए हमारी फैक्ट्री के अंदर वर्कर जब एक यूनिट बनाने आए तो उनको टोटल समय कितना लगा, सपोज करते हैं 100 घंटे का टाइम लगा। लेकिन जब उन्होंने दूसरी यूनिट बनाई तो उनका समय पहले से, यदि वर्कर सिर्फ एक यूनिट बनाता है तो उसको कितने घंटे लगते हैं, 100 घंटे। जब वर्कर ने पहली यूनिट बनाई थी 100 घंटे में, दूसरी यूनिट उसने 90 घंटे में बनाई, तो बताइए 2 यूनिट बनाने में टोटल समय कितना लगा उसको, 190 कैसे आया? पहली यूनिट का टाइम तो उसका कितना था, 100 का। भाई सबसे पहले वर्कर ने एक यूनिट बनाई, कितने घंटे लगे, 100। फिर उसने एक और यूनिट बना दी, तो जो उसने दूसरी यूनिट बनाई उसका टाइम उसको कितना लगा, 90 घंटे। तो हम ये कहेंगे 2 यूनिट बनाने में टोटल समय कितना लगा, 190 घंटे। बात समझ में आ गई ना। वर्कर ने पहली यूनिट बनाई 100 घंटे में, दूसरी यूनिट बनाई 90 घंटे में, फिर तीसरी यूनिट भी बनाई होगी उसने, तो मान लीजिए उसका टोटल टाइम लग गया 275। तो अब उसका जो टाइम है वो कितना लगा होगा, पहली यूनिट में 100 घंटे, दूसरी में 90, और तीसरे में देखो कितना आता है, 85। इसका ना धीरे धीरे उसका समय क्या होता जा रहा है, कम। पहली बार में उसे कुछ काम नहीं आता था, समय क्या लगा, सबसे ज्यादा। दूसरी बार में उसने अपनी गलतियां ढूंढी और उसने 100 से कितने पे लिया, 90 पे। तीसरी बार वो अपनी कमियों को ढूंढी, कमियां ढूंढने के बाद उसने अब तीसरी यूनिट 90 की जगह कितने में बना दी, 85। इसका ना जब तक वो अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करता रहेगा और उनको रेक्टिफाई करता रहेगा, नेक्स्ट प्रोडक्शन में उसका समय क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ऐसे लिखो फोर्थ यूनिट पे, 4, 5, 6। मान लीजिए हमारे को लेबर कॉस्ट निकालनी है और हमें क्वेश्चन में लेबर रेट पर आवर सपोज करते हैं 10 रुपए दिया हुआ है, तो 10 रुपए के हिसाब से लेबर कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 1000 रुपए, 1900 रुपए, 2750, 3570, 4380 और 5180। तो एवरेज लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी, एवरेज लेबर कॉस्ट पर यूनिट
तो आप कहोगे सर टोटल लेबर कॉस्ट को, अच्छा ये जो क्वांटिटी है कौन सी क्वांटिटी है, क्यूमुलेटिव क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी है क्यूमुलेटिव, मतलब पहले हमने एक बनाई फिर एक के बाद एक और बनाई फिर एक के बाद एक, फिर पहले एक बनाई फिर दूसरी बनाई फिर तीसरी बनाई फिर चौथी बनाई, ठीक है ना। आप देखो छोले भटूरे जब आप खाने जाते हो तो पहला भटूरा बनाने में ज्यादा समय लगता है या दूसरा भटूरा बनाने में दुकानदार को ज्यादा समय लगेगा, पहला, क्यों? क्योंकि जब उसने गैस स्टार्ट की होगी तो तेल ठंडा था, ऑयल उसका ठंडा होगा ना, तो उसे गर्म होने में क्या लगेगा टाइम, लेकिन जब दूसरा भटूरा बना रहा होगा तो ऑयल ऑलरेडी पहले से क्या था गर्म था, तो उसका प्रोसेसिंग टाइम क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, उसका टाइम भी क्या लगेगा कम, पहली बार में उसको सेटिंग करने में टाइम लगेगा यार कि जो भटूरे का साइज मुझे कस्टमर को देना है उसके लिए मुझे कितना प्रेशर हाथ पे लगाना पड़ेगा, तो हो सकता है ज्यादा प्रेशर लगा दे तो बड़ा बन जाए उससे फूल ना पाए, कम प्रेशर लगाता है तो साइज छोटा हो जाएगा उसमें मैदा ज्यादा दिखाई देगी, तो कस्टमर कहेगा यार उसने कच्चा भटूरा दे दिया, कस्टमर जीने तो देता नहीं आपको पता है दुकानदार को, जब तक कि उसके मुताबिक उसको सामान खाने का ना मिल जाए, तो इसका मतलब पहले भटूरे में उसको दिक्कत आएगी लेकिन सेकंड में उसका हाथ लगभग क्या हो चुका होगा सेट हो चुका होगा यार कितना प्रेशर मुझे डालना है भटूरे को से प्रेस करने में, ठीक है ना भाई। तीसरे चौथे पांचवे में आके वो बिल्कुल सेट हो चुका होगा, बात इधर कर रहा होगा और इधर भटूरे उसके तैयार हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है जहां पे आपको लगता है पहली बार किसी काम करने में समय ज्यादा लगता है लेकिन दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टाइम आपका क्या होता है सेव होता है, तो आप अपनी कॉस्ट को पहले से क्या कर सकते हो कम कर सकते हो, उसी को समझाने के लिए एग्जांपल बना आपके सामने है। अच्छा 1000 रुपए का खर्चा हमने कितनी यूनिट के लिए किया, एक के लिए किया तो एक से डिवाइड कर दिया 1000 रुपए, 1900 को हमने डिवाइड किया 2 से कितना आ जाएगा 850, 2750 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया कितना लिखूं राउंड ऑफ कर देते हैं 4 से डिवाइड कर दिया 900 से कुछ कम आएगा 892, राउंड ऑफ कर देने यदि 0.5 या 100 पर आता तो, यानी कैलकुलेटर निकाल लेते हम भी 893। यानी 4380 को डिवाइड कर दो 5 से कितना बोलेंगे 876 और 5180 को डिवाइड कर दिया 6 से 863.33 आ रहा था छोड़ दिया हमने इसको, मतलब हमने क्या देखा पहली बार मेरी कॉस्ट 150 रुपए कम हो गई, मतलब जहां खाली मैं एक यूनिट बनाता हूं जहां मैं खाली एक यूनिट बनाता हूं 1000 रुपए की लेबर कॉस्ट आती है, लेकिन यदि मैं 2 यूनिट बनाऊं एक के बाद एक तो मेरी कॉस्ट 1000 से कितनी हो जाएगी 850 पर यूनिट, मतलब 150 रुपए पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी कम। लेकिन लर्निंग कर्व टेक्निक से पहले जो हम हर चैप्टर में अपनी कॉस्ट निकालते थे वहां मान के चलते थे यदि एक यूनिट बनेगी तो 1000 रुपए के हिसाब से कॉस्ट कितनी आएगी 1000, 2 यूनिट बनेगी तो 1000 रुपए के हिसाब से कितनी कॉस्ट आएगी 2000। आपको याद होगा हर चैप्टर में हम लेबर कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट मान के चलते थे, ये सोच के कि पर यूनिट कॉस्ट करेगी कॉन्सेंट रहेगी, क्योंकि वहां पे लर्निंग रेट एप्लीकेबल नहीं था, क्यों नहीं था क्योंकि जो रेट आपको क्वेश्चन में बताया जाता है तो कौन से पॉइंट पे बताया जाता है लास्ट पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट का मतलब कि उसके बाद आपकी कॉस्ट कम नहीं हो सकती। तो उसका ना यदि मैं विदाउट लर्निंग रेट की बात करूं तो मेरी कॉस्ट लगेगी 2000 रुपए, लर्निंग के बाद कितनी लगेगी 2 यूनिट बनाने में 1900 लगेगी ना, तो उसका ना मैंने कितने रुपए कॉस्ट बचा ली 100 रुपए कॉस्ट बचा ली, ठीक है जी 850 आएगा 950 आएगा, ये 950 आएगा यार गलत बता दिया था 950 आएगा, ये 1900 डिवाइड बाय 2 तभी यहां डिफरेंस कितना आएगा 50, तो हम ये कह सकते हैं तभी हम ये कह रहे थे भाई 2 यूनिट पर हमें कितने रुपए का फायदा हुआ
दो यूनिट यदि विदाउट लर्निंग के हिसाब से काम करते तो 2000 में बनती, और लर्निंग की वजह से कितने में बनी, तो उसका ना 100 रुपए का फायदा हुआ कितनी यूनिट पे, दो पे, तो एक पे कितना हुआ, 50 का फायदा हो गया ना। हाँ जी, 1900 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 950 आएगा, करेक्शन कर लेना, 850 नहीं है। क्या सीखा आपने इसमें, कि हम अपनी लेबर कॉस्ट को कितने तरीके से निकाल सकते हैं, दो तरीके से। क्या हमारी फैक्ट्री में लर्निंग एप्लीकेबल है या लर्निंग एप्लीकेबल नहीं है? तो यदि लर्निंग एप्लीकेबल नहीं होती तो पर यूनिट कॉस्ट 1000 रुपए के हिसाब से बनती, जितनी मर्जी यूनिट बना लो, एक बनाऊंगा तो 1000, दो बनाऊंगा 2000, तीन बनाऊंगा 3000। लेकिन यदि लर्निंग एप्लीकेबल है तो एक यूनिट की लेबर कॉस्ट 1000 है, दो की कितनी है 1900, तीन की कितनी है 2750। तो इसका ना कहीं ना कहीं मेरी प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से मेरी टोटल लेबर कॉस्ट कम होती जा रही है पर यूनिट में, पर यूनिट कॉस्ट क्या होती जाएगी मेरी कम। बात समझो, कब तक, जब तक जो वर्कर हमारी फैक्ट्री में काम कर रहा है वो सीख रहा है, जिस दिन उसने सीखना बंद कर दिया वो कहते थे अब इससे कम समय तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि इससे यदि कम समय लगा तो फिर आपकी क्वालिटी बिगड़ जाएगी। रिपीट करना कुछ इसमें? अच्छा, एक बात बताइए, सबसे पहले इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं वो किसके दिमाग में आए होंगे, आपके मेरे तो आए नहीं होंगे। जो वर्कर है वो काम सीख रहा होगा तो हर बार वो समय कम लेगा, तो देखिए एक पर्सन है थियोडोर पी राइट, ये वो पर्सन है जिसने लर्निंग ऑफ टेक्निक को सबसे पहले अंडरस्टैंड किया था। कैसे अंडरस्टैंड किया, वो कहते थे एक फैक्ट्री में मैं गया तो मैंने देखा यार पहली बार एक काम करने में समय वर्कर ने क्या लिया, ज्यादा, पर उसी वर्कर ने जब उसी काम को द्वारा किया तो पहले से समय क्या लिया, कम लिया। तो थियोडोर पी राइट के हिसाब से हम आपको एक थ्योरी समझाते हैं। मान लीजिए हमारी जो यूनिट्स हैं, लिखते जाना, यूनिट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. एक्चुअल टाइम पर यूनिट थियोडोर जो पी राइट है, ये वो पर्सन है जिन्होंने सबसे पहले रिसर्च किया एक फैक्ट्री में जाके, यदि एक वर्कर एक यूनिट बनाने में 10 घंटे टाइम लेता है एक्चुअल में, तो वो वहीं पे बैठे रहे फैक्ट्री के अंदर, कि पहला काम वर्कर ने कितनी देर में किया, 10 घंटे में। फिर उसी वर्कर ने जब एक यूनिट के बाद दूसरी यूनिट बनाई तो दूसरी यूनिट बनाने में उसने समय 10 की जगह कितना लिया, 8 घंटे लिया। तीसरी यूनिट बनाने में वर्कर ने, मतलब दो यूनिट तो बन चुकी, जब तीसरी यूनिट बनी तो वर्कर ने 8 की जगह कितना समय लिया, 7.5 घंटे। जब वर्कर ने चौथी यूनिट बनाई तो उसने समय लिया 6.9 आवर्स। पांचवी में इतना, छठे में इतना, कब तक उसने रिसर्च करके देखी, काफी देर तक। कहां तक लेके गया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने जो एग्जाम्पल लिया उसमें मैंने कहां तक की रिसर्च दिखाई आपको, 16 तक की। ऐसे में टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल आवर्स कैसे निकालोगे आप, टोटल आवर्स निकालने के लिए क्वांटिटी को एवरेज टाइम पर यूनिट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 10 घंटे, दूसरे में 16 घंटे, ठीक है जी। ऐसे करने तो गलत हो जाएगा आपका,
पहली यूनिट बनाने में उसने कितना समय लिया? 10 घंटे। तो यहां पे जो 2 है उसका मतलब क्या है कि दूसरी यूनिट बनाने में उसने कितना समय लिया? 8। तो पहली यूनिट में 10 घंटे लिया, दूसरी यूनिट में उसने 8 लिया, उसका मतलब टोटल समय उसका कितना लगा? 18 घंटे। अभी यही बात तो मैंने बोली आपको, पहली यूनिट बनाने में वर्कर ने कितना समय लिया था? 10 घंटे। दूसरी यूनिट बनाने में उसने कितना समय लिया था? 8 घंटे। तो पहली यूनिट का 10, दूसरी का 8, इसका मतलब 2 यूनिट बनाने में उसने कितना समय लिया? 18। तीसरी यूनिट बनाने में उसने 7.5 घंटे लिए, इसका मतलब पहली यूनिट में 10 घंटे लिए, दूसरी यूनिट में उसने 8 घंटे लिए, तीसरी में उसने 7.5 घंटे लिए, मतलब कि चेक करना पड़ेगा कितना आएगा, 25.5। इस तरीके से आपको सभी का टाइम निकालना पड़ेगा, 32.4, 39.45, 52.22, 58.32, 64.28, 70.18, 76.04, और बताइए, 81.88, आप यहां कह सकते हैं क्यूमुलेटिव टोटल आवर्स, ठीक है जी? इतना ये 5.82 है ये। अब देखिए क्वेश्चन में हम निकाल रहे हैं एवरेज टाइम पर यूनिट, यानी क्वेश्चन में एवरेज टाइम हमें पर यूनिट निकालना है। तो एवरेज टाइम पर यूनिट इक्वल टू कैसे निकालेंगे? टोटल आवर्स को क्वांटिटी से क्या कर दो, डिवाइड। तो पहली एक यूनिट बनाने में वर्कर को 10 घंटे का समय लगा, तो 10 को मैंने 1 से डिवाइड किया, मेरे पास आ गया 10 घंटे। फिर मैंने 18 को 2 से डिवाइड किया, तो 9 घंटे एवरेज आ गए। फिर 25.5 को मैंने डिवाइड किया किससे? 3 से। तो 25.5 को 3 से डिवाइड करने पे कितना आ गया? 8.5 आवर्स। अरे 32.4 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 8.1। 39.2 को मैंने 5 से डिवाइड किया, तो 39.2 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 7.84।
इस तरीके से आपको टाइम निकालना पड़ेगा, कितना कितना आएगा, 7.65, 7.51, 7.29, 64.28 डिवाइडेड बाई 9, 7.14, 7.018, 76.04 डिवाइड बाई 11, 81.88 6.746 इस तरीके से हमने आर्ट्स निकाल दिया। अब देखिए थियोडोर पी राइट है कौन, रिसर्चर, ठीक है जी, रिसर्च करने वाला पर्सन है। तो सबसे पहले देखिए रिसर्च करने वाले लोग जो होते हैं वो एक तरीके से ऐसे लोग होते हैं जो जब तक कोई कंक्लूजन ना निकल जाए खाना पीना छोड़ देते हैं, ठीक है ना। ऐसे लगता है जैसे कि यार इनको दुनिया में कोई होश ही नहीं है, खो जाते हैं अपने काम में। उनमें से एक बंदे का नाम है थियोडोर पी राइट। इन्होंने सबसे पहले फैक्ट्री में जाके देखा कि क्या हमारे जो वर्कर हैं वो हर बार सेम टाइम लेते हैं काम को करने में, या फिर कुछ समय उनका कम भी हो सकता है। तो उन्होंने देखा यार पहली यूनिट बनाने में वर्कर ने 10 घंटे लिए, जब उसने दूसरी यूनिट बनाई तो वर्कर ने 8 लिए, तो उसके बाद 2 यूनिट बनाने में समय कितना लगा, 10 और 8, 18। जब वर्कर ने तीसरी यूनिट बनाई तो 7.5 घंटे लिए, तो उसका ना पहले में 10, दूसरे में 8, तीसरे में 7.5 मिला के कितना लिया, 25.5। ऐसे में यदि मुझे एवरेज टाइम पता लगाना है कि एक यूनिट बनाने में मेरे को लगभग कितना समय लगता है, तो मैं कहूंगा जी 18 घंटे में मैंने 2 यूनिट बना ली थी, एक यूनिट बनाने में लगभग कितना लगा, 9-9 घंटे। एक्चुअल में पहले में 10, दूसरे में कितना है, 8, और एवरेज के केस में पहले में भी 9, दूसरे में भी कितना माना जाएगा, 9। टाइम तो 18 घंटे है ना, ये एक्चुअल है और ये कौन सा है, एवरेज है। नहीं यहां तक कोई दिक्कत। अब थियोडोर पी राइट कहता है कि यार यहां तक जो काम किए वो तो कोई भी कर सकता है, तो फिर मेरा नाम दुनिया में कैसे होगा, लोग मुझे कब याद रखेंगे। जब मैं कुछ इस डाटा से, जो डाटा आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, उससे कोई इंफॉर्मेशन आपको समझाऊं, कोई फॉर्मूला समझाऊं, कोई लॉजिक समझाऊं, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझाऊं, तो उसने रिलेशन स्टार्ट करने, मतलब रिलेशन ढूंढने स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी पहली यूनिट और दूसरी यूनिट में समय कितना है, 1 घंटे बचा, ठीक है ना। दूसरी यूनिट और तीसरी यूनिट में 0.5 आवर्स बचा, तीसरी यूनिट और चौथी यूनिट में 0.4 बचा। तो क्या आपस में कोई रिलेशन बन रहा है इनके बीच में, आपस में कोई रिलेशन बन रहा है, नहीं। चेक करते हैं 1 घंटे का टाइम 10 घंटे का कितने परसेंट हुआ, 10%। इसके अलावा वर्कर ने पहली यूनिट से दूसरी यूनिट पर जाते टाइम एवरेज कितना टाइम बचाया, 10% टाइम बचाया, 10% टाइम बचाया। आप ऐसे भी कह सकते हो, या भी ये कह सकते हो कि पहली यूनिट से दूसरी यूनिट बनाने में आपको समय कितना लगा, 90% लगा, कितना लगा, 90%। 10 घंटे की जगह आपका काम यदि 9 घंटे में हो रहा है, आपने एवरेज कितना टाइम बचाया, 10% टाइम बचाया, बल्कि आप ये कह सकते हो समय कितना लिया, 90% लिया। अच्छा यहां से यहां के बीच में रिलेशन देखते हैं, तो 8.5 डिवाइड बाई 9 × 100 कितना रहे, 94.44%।
ये 8.5 से 8.1 पे गए, अब कितना आएगा? फिर इस पे गए, हाँ जी थियोडोर पी राइट कहता है यार कोई कंक्लूजन ही निकल रहा, हर चीज बढ़ी जा रही है और बढ़ भी इस तरीके से रही है कि कोई परसेंटेज आपस में सेम नहीं है, इनके बीच में आपस में कोई डिफरेंस भी सेम नहीं है। तो उसने कहा कोई बात नहीं फिर से ट्राई करेंगे। अभी जो उसने गैप लिया वो फर्स्ट से सेकंड पे लिया, सेकंड से थर्ड पे लिया, थर्ड से उसने क्या लिया फोर्थ पे लिया। अब वो कहते हैं मैं फर्स्ट से सेकंड पे जाता हूं, सेकंड से किस पे जाता हूं फोर्थ पे जाता हूं, फिर देखता हूं कुछ होता नहीं होता। तो 9 घंटे 10 घंटे का कितना हुआ, 9 घंटे 10 घंटे का कितने परसेंट हुआ 90%। फिर 8.1 9 घंटे का कितना हुआ 8.1, 9 का कितना हुआ 90%। बड़ा खुश हुआ वो तो, ठीक है जी। तो यहां 1 से 2 पे गए, 2 से किस पे गए 4 पे। वो कहता 4 से 8 पे चल के देखता हूं, वैसे ना रिसर्च वाले कोई भी कैलकुलेशन उल्टी सीधी करके देखते रहते हैं, हो सकता कभी कभी तुक्का क्या हो जाता है भिड़ जाता है, और जिस दिन तुक्का भिड़ गया उस दिन वो कॉन्सेप्ट बन जाता है, बंदे का नाम हो जाता है मार्केट में, ठीक है ना। बट ऐसी सोच हम नहीं रखते ना आप ना मैं, आपको पढ़ने से मतलब मुझे पढ़ाने से मतलब। पर ये जो लोग होते हैं ये बड़े खास बंदे होते हैं, इनका काम क्या होता है जब तक कोई रिजल्ट ना दे शांत नहीं बैठते। अब देखिए 7.29 8.1 का कितने परसेंट है 90% है कि नहीं देखना है का। इन्होंने कहा जब एक पहले एक पे गए, एक से दो पे गए, दो से चार पे गए, चार से फिर किस पे जाओ, यानी पहले हम एक एक से दो पे गए, दो से चार, चार से आठ, आठ से किस पे जाओ 16 पे जाके देखो क्या कोई रिलेशन बनता है। तो 6.561 डिवाइडेड बाई 7.29 इंटू 100 90% आ गया यार यहां भी। इसका मतलब क्या हुआ, थियोडोर पी राइट क्या कहते हैं, मैंने एक ऐसी रिसर्च किया है जहां पे वर्कर यदि 2^n की फॉर्म में प्रोडक्शन करता है, 2^n की रेशियो में प्रोडक्शन करता है, तो उस केस में इतनी मेहनत करने की जगह हम डायरेक्टली क्या पता लगा सकते हैं, एवरेज टाइम पर यूनिट पता लगा सकते हैं। हाँ जी एवरेज टाइम पर यूनिट पता लगा सकते हैं, लेकिन प्रोडक्शन किस फॉर्म में होनी चाहिए, यानी प्रोडक्शन किसकी फॉर्म में होनी चाहिए 2^n। अब ध्यान से समझना, यहां पे हमने लिखा पावर 2 0, स्टार्टिंग तो 0 से होती है, फिर ये होगी 2^1, फिर ये 2^2, 2^3 और 2^4। 2^0 को क्या कहते हैं 1, 2^1 को क्या कहते हैं 2, 2^2 को क्या कहते हैं 4, 2^3 को क्या कहते हैं 8 और 2^4 को क्या कहते हैं 16। वो कहते हैं जब भी आपकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन 2^n की फॉर्म में होगा तो आप उस केस में लर्निंग कर्व टेक्निक को यूज करके डायरेक्टली एवरेज टाइम पर यूनिट निकाल सकते हैं। पर एक समस्या आ गई इस रिसर्च में, वो रिसर्च में समस्या क्या आ गई कि यहां जो हमें सॉल्यूशन मिल रहा है वो केवल किसका मिल रहा है, जब हमारी प्रोडक्शन किस फॉर्म में होगी 2^n यूनिट बनेगी, तो हम डायरेक्टली एवरेज टाइम पर यूनिट निकाल सकते हैं नेक्स्ट प्रोडक्शन का। अच्छा यदि कोई मुझसे पूछे 2^5 जिसका मतलब 32 है, आप उसका एवरेज टाइम बता सकते हो, मैंने कहा हां बता सकता हूं, कैसे बताऊंगा। अब आप खुद सोचो ये टाइम 90% है इसका, ये वाला टाइम कैसे निकाला मैंने 7.29 का 90% करके, अच्छा ये वाला टाइम कैसे निकाला होगा 8.1 का 90% करके, ये वाला टाइम कैसे निकाला है 9 का 90% करके, ये वाला कैसे निकाला है
10 का 90%, मतलब यदि मेरे को प्रीवियस टाइम मिल जाए, क्या मिल जाए, प्रीवियस टाइम, तो मैं नेक्स्ट टाइम निकाल सकता हूं प्रीवियस टाइम का 90% करके। तो यदि मुझे 2^5 मतलब 32 यूनिट का आंसर निकालना है, तो 32 यूनिट का आंसर निकालने के लिए 6.561 का मुझे कितने परसेंट करना पड़ेगा, 90%। तो 6.561 का 90% मैंने किया, कितना आ गया, 9049। और यदि मुझे टोटल टाइम चाहिए तो टोटल कैसे निकालूंगा, टोटल को 32 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, भाई एवरेज कैसे निकाल दो, टोटल को 32 से डिवाइड करके। तो यदि टोटल निकालना है तो 32 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मेरे पास आ जाएगा 188.95 या 96 लिख देते हैं, चलो पूरा लिख दिया मैंने यहां पे समझाने के लिए। तो थियोडोर पी राइट कहता है कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन कहां पे एप्लीकेबल है, जहां पे आपकी प्रोडक्शन 2^n की फॉर्म में होगी, तो वहां पे आपको शॉर्टकट तरीका मिल गया, क्या पता लगाने के लिए कि आपकी एवरेज टाइम पर यूनिट कितनी लगेगी, और आप उसकी मदद से क्या निकाल सकते हैं, टोटल टाइम पता लगा सकते हैं। जैसे ही आपको टोटल टाइम पता चल जाएगा, लेबर रेट पर आवर से मल्टीप्लाई करके टोटल लेबर कॉस्ट निकाल सकते हो, कितनी यूनिट की, 32 यूनिट की, 16 यूनिट की, 8 यूनिट की, 4 की, 2 की और किसकी, 1 की। अब लोगों को जब हमने ये तरीका बताया तो बहुत सारे लोग बड़े खुश हुए, उन्होंने ताली बजाई, यार बंदा बड़ा अच्छा है, हमारे लिए इसने एक अच्छा फॉर्मूला निकाला। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कमी निकालने वाले, वो कहते यार इस बंदे के एक कमी छोड़ दी इसने, कि इसका फॉर्मूला सिर्फ एप्लीकेबल है कहां पर, जहां हमारी प्रोडक्शन 2^n की फॉर्म में होती है, जहां पे हमारी प्रोडक्शन 3 यूनिट हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 9 हो, तो उसका मतलब है थियोडोर पी राइट का फॉर्मूला लगेगा नहीं वहां पे। तो ऐसे केस में फिर ये शॉर्टकट फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो थियोडोर पी राइट ये कहता है भाई कोई भी फॉर्मूला मैंने जो डेवलप किया वो हर सिचुएशन के लिए नहीं है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। यदि पर्टिकुलर सिचुएशन को आपकी कंपनी में फॉलो किया जाता है तो आप मेरे शॉर्टकट का बेनिफिट लेके एवरेज टाइम पर यूनिट निकाल सकते हो, जिससे क्या निकाल सकते हो, टोटल टाइम, और टोटल टाइम से क्या निकाल सकते हो, लेबर कॉस्ट। ठीक है जी, एक शॉर्टकट दिया है, जैसे मेटेरियल कॉस्टिंग आपको याद होगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते थे और उसमें एक फॉर्मूला था किसका, आरएम विल्सन का, रिचर्ड माइकल विल्सन, जो ईओक्यू का फॉर्मूला बताते थे, अंडर रूट 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो विल्सन ने क्या कहा था कि मेरी कुछ अजम्पशंस हैं जिसके अंडर ये फॉर्मूला आपको सही लगेगा, यदि सप्लायर आपको डिस्काउंट देता है तो मेरे फॉर्मूले से कॉस्ट क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, और डिस्काउंट मिलने की वजह से आपकी टोटल कॉस्ट क्या हो सकती है, कम। तो डिस्काउंट मिलने पर विल्सन कहते हैं मेरा फॉर्मूला गलत आंसर भी दे सकता है, इसलिए ये डिस्काउंट के केस में सही नहीं है, एप्लीकेबल नहीं करना। तो कुछ कंडीशन में उनका फॉर्मूला एप्लीकेबल है ना, हर कंडीशन के लिए थोड़ी सेटिस्फेक्शन होगा, बात समझ में आ रही है। तो अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग फॉर्मूले बने हुए हैं। अच्छा, जो लोग कहते हैं हमारी फैक्ट्री के अंदर डबल प्रोडक्शन नहीं होती प्रीवियस की, अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट प्रोडक्शन प्रीवियस प्रोडक्शन का डबल है, नेक्स्ट प्रोडक्शन प्रीवियस प्रोडक्शन का डबल है, 32 डबल है किसका, 16 का, 16 डबल है किसका, 8 का, 8 डबल है किसका, 4 का, 4 डबल है किसका, 2 डबल है किसका, जहां पे आपकी प्रोडक्शन प्रीवियस प्रोडक्शन का डबल होता है वहां पे ये शॉर्टकट एप्लीकेबल है, लेकिन जहां पे डबल ना हो तो थियोडोर पी राइट कहता मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है ना, फिर उस केस में दूसरा तरीका बताएंगे आपको, हार तो मानने वाले नहीं है ना हम भी। तो इसका मतलब है क्वेश्चन को हमने कितने पार्ट में डिवाइड करना है, दो पार्ट में, व्हेन नेक्स्ट प्रोडक्शन इक्वल टू डबल ऑफ प्रीवियस प्रोडक्शन। तो हम थियोडोर पी राइट की जो सोच है उसको यूज करके अपना जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। जल्दी का मतलब पहले एवरेज टाइम निकालेंगे, उससे टोटल टाइम निकालेंगे, फिर लेबर रेट पर आवर से मल्टीप्लाई करके टोटल लेबर कॉस्ट निकाल देंगे। बात समझ में आ गई, नोट कर लिया आप तक सबने? तो देखिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एग्जाम में दो सिचुएशन आएगी आपके सामने, केस वन जिसे हम कहते हैं सिंपल, केस टू
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। थियरी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, सिंपल का मतलब क्या है, जहां पर आपकी नेक्स्ट प्रोडक्शन डबल ऑफ प्रीवियस प्रोडक्शन, वहां पर हम थियोडोर पी राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज कर सकते हैं। थियोडोर पी राइट के हिसाब से एवरेज टाइम पर यूनिट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा एवरेज टाइम पर यूनिट ऑफ प्रीवियस प्रोडक्शन इनटू लर्निंग रेट। ठीक है जी, दूसरा केस नेक्स्ट प्रोडक्शन not equal to double of previous production। तो ऐसे केस में क्या होगा, average time per unit निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ जी, एवरेज टाइम पर यूनिट को हमने डिनोट कर दिया किससे, वाई से, इक्वल टू ए एक्स पावर बी। हाँ जी, वाई का मतलब तो आपके पास हो जाएगा एवरेज टाइम पर यूनिट
तो आज की क्लास में जो क्वेश्चन आपको लाने वाले हम एग्जांपल आगे सिंपल केस जहां पे आपकी नेक्स्ट प्रोडक्शन प्रीवियस प्रोडक्शन का क्या होगा डबल, जिसका मतलब मैंने आपको अभी समझाया था कि नेक्स्ट प्रोडक्शन यदि 32 है तो 32 डबल है किसका, प्रीवियस का, तो 32 डबल है 16 का, 16 डबल किसका है 8 का, 8 डबल है किसका 4 डबल है किसका 2। तो ऐसे केस में यदि मुझे 32 का एवरेज टाइम चाहिए तो 32 का एवरेज टाइम निकालने के लिए 16 का एवरेज टाइम निकालो और उसको लर्निंग रेट से क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो ये जो 90% है वो 90% क्या चीज है, लर्निंग रेट। लर्निंग रेट का मतलब है कि अगला काम करने में प्रीवियस टाइम का कितना समय लगेगा 90%। तो इसका ना कितना समय बचा होगा 10% टाइम से हुआ, 10 घंटे वाला काम यदि 9 घंटे में हो रहा है इसका मतलब वर्कर ने अगली बार 90% टाइम लिया और 10% टाइम सेव किया। तो यदि किसी क्वेश्चन में लर्निंग रेट ना दे रखा हो और वहां पर लिखा हो टाइम से 15% तो समझ लो लर्निंग रेट कितना हुआ 85%। यदि टाइम सेव लिखा है 20% तो लर्निंग रेट कितना हो गया 80%। टाइम सेव लिखा है 25% तो लर्निंग रेट 75% हो गया। तो कभी कभी तो क्वेश्चन में लर्निंग रेट दे रखा होता है, कभी कभी लर्निंग रेट की जगह परसेंटेज ऑफ टाइम सेव दे रखा होता है। तो एक बात और लिख लेंगे, लर्निंग रेट इफ नॉट गिवन तो ऐसे केस में लर्निंग रेट कैसे निकालेंगे 100% माइनस परसेंटेज ऑफ टाइम सेव। अब जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ टाइम सेव 5% है तो उसका ना लर्निंग रेट कितना हो गया 95%। यदि वो कहते हैं टाइम सेव 10% है तो लर्निंग रेट कितना हो गया 90%। टाइम सेव 12% है तो लर्निंग रेट हो गया 88%। टाइम सेव 15% है तो लर्निंग रेट कितना आ जाएगा 85%। बात समझ में आ गई। तो एग्जाम में कितने केसेस हो गए, दो केसेस मिल सकते हैं। केस नंबर 2 में क्योंकि आपको आंसर निकालना है किसका, निकालना तो हमें क्वेश्चन में क्या है एवरेज टाइम ही है। अब एवरेज टाइम को निकालने के दो अलग अलग सिचुएशन आ गई, एक जहां पे नेक्स्ट प्रोडक्शन प्रीवियस प्रोडक्शन का डबल हो सकता है तो वहां पे एवरेज टाइम निकालने के लिए इस फॉर्मूले को यूज करना है, और जहां पे नेक्स्ट प्रोडक्शन प्रीवियस प्रोडक्शन का डबल नहीं है वहां पे भी एवरेज टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन में क्या चाहिए, मुझे तो लेबर कॉस्ट निकालनी है। क्या निकालनी है, लेबर कॉस्ट। और लेबर कॉस्ट निकालने के लिए क्या चाहिए, टोटल आवर्स चाहिए। हाँ जी, लेबर कॉस्ट निकालने के लिए चाहिए टोटल आवर्स इंटू लेबर रेट बराबर, और टोटल आवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए एवरेज टाइम पर यूनिट इंटू टोटल क्वांटिटी। अच्छा एक बात समझिए, टोटल आवर्स निकालने के मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं हर एक यूनिट का टाइम नोट करता जाऊं, पहली यूनिट में कितना समय लगा, दूसरे में कितना लगा, तीसरे में कितना लगा, चौथे में कितना लगा, तो मैं उन सबको जोड़ जोड़ के भी क्या निकाल सकता हूं, टोटल आवर्स निकाल सकता हूं। लेकिन टोटल आवर्स निकालने का दूसरा आसान तरीका क्या दिखाई दिया, यदि मुझे एवरेज टाइम पता चल जाए तो एवरेज टाइम को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10, एवरेज टाइम यदि 9 घंटे तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो 18, 8.5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 25.5, 8.1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32.4। तो इसका ना टोटल आवर्स निकालने का आसान तरीका क्या है, एवरेज टाइम पर यूनिट को ढूंढकर उसको टोटल क्वांटिटी से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। और दूसरा तरीका क्या, बैठे रहो फैक्ट्री के अंदर और इंतजार करते रहो कि पहली यूनिट बनाने में कितना समय लगेगा, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना, चौथे में कितना, पांचवे में कितना। तो बताओ कौन सा तरीका ज्यादा आसान लगा आपको, फैक्ट्री में बैठे रहना बोरियत बेकार है, दूसरा तरीका आपके लिए क्या आसान है, क्योंकि हर केस में फैक्ट्री में जाना हमारे लिए विजिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। क्या आप इस समय और मैं इस समय फैक्ट्री में जाके एक्चुअल टाइम पता लगा सकते हैं हर फैक्ट्री का? हाँ, लेकिन यदि मुझे उस फैक्ट्री का एवरेज टाइम पता चल जाए तो मैं आगे का काम कर सकता हूं। तो ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए,
और ये अभी कौन सा केस की बात चल रही है, केस नंबर 1 के ऊपर, जहां पे हमारी नेक्स्ट प्रोडक्शन डबल है किसके, हाँ जी, नेक्स्ट प्रोडक्शन प्रीवियस प्रोडक्शन का डबल है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दे रखी है। अच्छा एक बात और ध्यान देना, पहली यूनिट का एक्चुअल टाइम और पहली यूनिट का एवरेज टाइम हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। पहली यूनिट का एक्चुअल टाइम, पहली यूनिट का टोटल टाइम और पहली यूनिट का एवरेज टाइम, तीनों चीजें क्या होती हैं, बराबर। एक यूनिट बनाने में एक्चुअल में 10 घंटे लगे तो टोटल टाइम भी कितना लगा, 10, और उसका एवरेज भी कितना है, 10 है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्चुअल टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग फर्स्ट यूनिट इक्वल टू, मान लीजिए कितना समय दे रखा है, 100 आवर्स। लेबर रेट पर आवर, हाँ जी, आपको दे रखा है मान लीजिए 30 रुपए, लर्निंग रेट मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा है 80%, क्यूमुलेटिव क्वांटिटी प्रोड्यूस आपको दे रखा है क्वेश्चन में 2, 4, 8 और कितने 16। हाँ जी, फाइन क्या करना है आपको, फाइंड आपको क्या करना है क्वेश्चन में, एवरेज टाइम पर यूनिट, दूसरा टोटल लेबर आवर्स, तीसरा टोटल लेबर कॉस्ट। अच्छा टोटल लेबर कॉस्ट निकालने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, टोटल लेबर कॉस्ट निकालने के लिए टोटल लेबर आवर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, लेबर रेट पर आवर से। फिर टोटल लेबर आवर्स निकालने के लिए एवरेज टाइम पर यूनिट से एवरेज टाइम पर यूनिट को क्यूमुलेटिव क्वांटिटी से क्या करना पड़ेगा, या टोटल क्वांटिटी, और एवरेज टाइम निकालने के लिए क्या इस क्वेश्चन में नेक्स्ट प्रोडक्शन प्रीवियस का डबल है, हाँ जी, 16 क्या 8 का डबल है, हाँ, क्या 8 4 का डबल है, हाँ, क्या 4 2 का डबल है, हाँ, और क्या 2 1 का डबल है, तो जवाब है हाँ। तो ऐसे में एवरेज टाइम पर यूनिट निकालने के लिए मुझे सबसे पहले पहली यूनिट का टाइम चाहिए होगा, पहले यहां तक नोट कर लीजिए। तो मैंने देखा कि यहां पे नेक्स्ट प्रोडक्शन प्रीवियस प्रोडक्शन का डबल है, इसका मतलब एवरेज टाइम पर यूनिट निकालने के लिए, एवरेज टाइम पर यूनिट निकालने के लिए प्रीवियस प्रोडक्शन, पीपी का मतलब प्रीवियस प्रोडक्शन इंटू लर्निंग रेट, एवरेज टाइम पर यूनिट यदि मुझे नेक्स्ट प्रोडक्शन का चाहिए, एनपी का मतलब है नेक्स्ट प्रोडक्शन, एनपी मीन्स नेक्स्ट प्रोडक्शन और पीपी का मतलब प्रीवियस प्रोडक्शन। तो यदि नेक्स्ट प्रोडक्शन का एवरेज टाइम पर यूनिट चाहिए तो प्रीवियस प्रोडक्शन का एवरेज टाइम पर यूनिट को लर्निंग रेट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो।
तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने लिखा क्यूमुलेटिव क्वांटिटी, तो 1, 2, 4, 8 और 16 ये ध्यान रखना है। स्टार्टिंग आपको हमेशा किससे करना है, पहली यूनिट से, क्यों? क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में टाइम दे रखा होगा वो हमेशा किसका दे रखा होगा, फर्स्ट यूनिट का दे रखा होगा, ठीक है जी। और आप तो सब जानती है फर्स्ट यूनिट का एक्चुअल टाइम, फर्स्ट यूनिट का टोटल टाइम और फर्स्ट यूनिट का एवरेज टाइम तीनों क्या होते हैं, सेम। तो मैं यहां पे लिखूंगा एवरेज टाइम पर यूनिट, जो कि पहले का तो मुझे दे रखा है, निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरे का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 का 90% 98 ही है, 80% है भैया, तो 80 आवर्स। हाँ जी, 80 का 80% 64, 64 का 80% देखना कितना आता है, 51.2, और 51.2 का 80% 40.96। तो पहला आंसर आ गया ना एवरेज टाइम पर यूनिट, दूसरा क्या निकालना आपको, टोटल आर्स। तो टोटल लेबर आर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज टाइम पर यूनिट को क्यूमुलेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100, 80, 64, 51.2, 40.96 ये मेरा एवरेज टाइम है। और यदि मैं इसको क्यूमुलेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं 1, 2, 4, 8, 16 से, तो मेरे पास में टोटल टाइम आ जाएगा 100, 160, 256, 409.6, 655.36। अच्छा, यदि लेबर कॉस्ट निकालनी है तो लेबर कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल लेबर आवर्स जो आप निकाल चुके हैं अच्छा लेबर रेट पर आवर कितना था, 30 रुपीज, तो बताइए कितना कितना देगा, 3000 और 4800 12288 और 1966058। राउंड ऑफ करना चाहो तो क्या कर दो, 1961 कर दिया, 0.8 आ रहा था ना, एवरेज टाइम पर यूनिट फर्स्ट यूनिट और एक्चुअल टाइम हाँ जी, एवरेज टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट बराबर होता है एक्चुअल टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट, ये आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है।
और ये आपको चाहिए होता है। तो नेक्स्ट लिखिए, थर्ड एग्जांपल, एवरेज टाइम टेकन फॉर प्रोड्यूसिंग फर्स्ट यूनिट इक्वल टू 80 घंटे। हाँ जी, लेबर रेट पर आवर 20, वेरिएबल ओवरहेड पर आवर 15, मेटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 5000 रुपये। हाँ जी, फिक्स्ड ओवरहेड 60000 रुपये। प्रॉफिट 20% ऑफ टोटल कॉस्ट प्रिपेयर 2 units, B option 4 units, C option कॉस्ट शीट का मतलब तो आप समझिएगा, मतलब टोटल कॉस्ट, सेल, प्रॉफिट, तीनों चीजें आपको एक ही स्टेटमेंट में दिखानी है। बट उसके लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट में मेटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स कॉस्ट तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आपको 60000 रुपये दे रखी है। तो मैं आपसे सबसे पहले क्या निकलवाना चाहूंगा, पिछले एग्जाम्पल की तरह मुझे पहले टोटल लेबर आवर्स निकाल के दीजिए। सबसे पहले क्या निकालो, टोटल लेबर आवर्स। क्यों? क्योंकि जो लेबर रेट है वो भी बराबर है और वेरिएबल ओवरहेड भी क्या है, बराबर। तो जैसे ही मुझे क्वेश्चन में टोटल आवर्स मिल जाएंगे, एक बार लेबर रेट बराबर 20 रुपए से मल्टीप्लाई करूंगा और एक बार किससे, 15 से। तो मुझे यहां पर 2 यूनिट, 4 यूनिट, 8 यूनिट, 16 यूनिट बनाने की लेबर कॉस्ट और क्या मिल जाएगी, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट मिल जाएगी। फिर बाद में मैं उसे 5000 पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा 2, 4, 8, 16 को, तो मुझे मेटेरियल कॉस्ट भी मिल जाएगी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ गए कैसे करना आपको। कीजिए फटाफट से।
बोलो भाई, आंसर निकाला किसी ने? तो सबसे पहले काम करते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं जिसमें लिखता है कंप्यूटेशन ऑफ लेबर आवर्स लेबर कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड एंड क्यूमुलेटिव क्वांटिटी 1, 2, 4, 8, 16 हाँ जी, एवरेज टाइम पर यूनिट आपको दे रखा है कितना? 80 घंटे। लर्निंग रेट कितना है क्वेश्चन में? 90%, तो 80 का 90%, 72 का 90%, 64.8 का 90%, 58.32 का 90%, 90%। हाँ जी, एवरेज टाइम पर यूनिट निकालने के बाद क्या निकालोगे? टोटल आर्स, तो 80 × 1 80, 72 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 144, 64 पॉइंट, चलो आखिरी वाले का निकाल लेते हैं, 839। अच्छा, लेबर कॉस्ट कैसे निकालेंगे? एट द रेट ₹20 पर आवर और वेरिएबल ओवरहेड एट द रेट ₹15 पर आवर निकालो। कितना कितना था? 80 को मल्टीप्लाई किया 20 से 1600, और इधर कितना है? 1200। फिर 144 को 20 से मल्टीप्लाई किया और 51 और 466.56 × 9 16 ठीक है भाई, इतना। सॉल्यूशन में
यानी 2, 4, 8 और कितने 16। सबसे पहले हम लिखेंगे मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड। अच्छा, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? तो 10,000, 20,000, 40,000, 80,000। अच्छा, लेबर कितना कितना निकाले? 1600, 2880। अच्छा, 1600 तो लेना नहीं क्योंकि वो एक यूनिट का आंसर है, तो हमें जो स्टार्टिंग करनी है वो 2 से करनी है, ध्यान रखना। यानी इनसे मतलब है हमें 2880, 5184, 9331, 16,796। यानी वेरिएबल ओवरहेड 2160, 888, 3888, 6998.4। यानी फिक्स ओवरहेड तो आपका कितना था? 60,000। तो टोटल कॉस्ट पहले केस में कितनी आ जाएगी? प्रॉफिट कितना था? 20% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो सेल वैल्यू आपके पास में आ जाएगी कितनी कितनी? 75,040 का 20%, 한지 거 어디까지 했으면 계시고.
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर वन। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट एक्सपेक्टेड एवरेज यूनिट कॉस्ट ऑफ मेकिंग फोर मशीन्स एंड एट मशीन। यदि आप चार मशीन बनाए या आठ मशीन बनाए तो एक यूनिट बनाने की एवरेज कॉस्ट कितनी आएगी, मतलब एक मशीन बनाने की कॉस्ट कितनी आएगी। तो मशीन बनाना हमारे लिए प्रोडक्शन है, मशीन हमारा प्रोडक्ट है, जिसमें पहली मशीन को बनाने में वर्कर को कितना समय चाहिए, 1000 घंटे। लर्निंग रेट कितना है, 90%। लेबर कॉस्ट कितनी है, 15 रुपए पर आवर। मेटेरियल कॉस्ट है 1,50,000। अच्छा, 1,50,000 के आगे कुछ लिखा नहीं तो क्या मान के चलेंगे, ये चार मशीन की मेटेरियल कॉस्ट है या एक की है? एक की, क्योंकि मेटेरियल कॉस्ट हमेशा किसकी होती है, एक की। मेटेरियल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो आप चार मशीन बनाएंगे तो 6 लाख रुपए लगेगा, 8 मशीन बनाएंगे तो कितना लगेगा, 12 लाख रुपए। हाँ जी, फिक्स्ड कॉस्ट किसी भी ऑर्डर के लिए 60,000 रुपए रहेगी। फिक्स कॉस्ट तो हर क्वांटिटी के लिए क्या होती है, सेम। तो जरा करके दिखाइए इस क्वेश्चन को, मतलब आपको इस क्वेश्चन में करना क्या, टोटल कॉस्ट जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में निकाली है, देखिए बोर्ड पे, तो टोटल कॉस्ट तो निकालनी है, बस उसको क्वांटिटी से क्या कर दो, डिवाइड। तो आपके पास में एवरेज कॉस्ट पर मशीन आ जाएगी। तो आपको पहले आंसर चार मशीन का निकालना है और कितने का निकालना है, 8 का। अच्छा, 4 8 का डायरेक्ट निकाल सकते हैं या पहले 2 का भी निकालना पड़ेगा आंसर, फिर 1 का भी निकालना पड़ेगा? तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वर्किंग नोट बनाना होगा जिसमें हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ लेबर आवर्स एंड लेबर कॉस्ट। हाँ जी, लेबर कॉस्ट एंड लेबर आवर्स निकालना आपको। तो यहां पे आपकी सबसे पहले क्यूमुलेटिव क्वांटिटी कितनी है, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8। मुझे आंसर देना है 4 और 8 का, बट उसके लिए मुझे जरूरत है किसकी, 1 और 2 की। तो यहां पे एवरेज टाइम पर यूनिट, जो पहली यूनिट बनाने में कितना समय लगा, 1000 घंटे। फिर लर्निंग रेट आपका से 90%, तो 1000 का 90% 900 का 90% 810 और 810 का 90% 729। फिर टोटल आवर्स कितने आ जाएंगे, 1000 घंटे 1800 3240 और 729 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, 5832। अच्छा, लेबर रेट पर आवर कितना है, 15 रुपए। तो लेबर कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 15,000, 27,000 यानी 3240 को 15 से मल्टीप्लाई किया, 48,600 और 87,480।
लिख लिया भाई सबने। अब देखिए सॉल्यूशन में, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मेकिंग फोर मशीन्स मेटेरियल कॉस्ट का खर्चा कितना पर यूनिट? 1,50,000 रुपए। तो 4 का आ गया 6 लाख, 8 का 12 लाख रुपए। हांजी लेबर कॉस्ट की यदि बात की जाए तो अभी आपने निकाली है 4 मशीन की। अच्छा ध्यान रखना 4 और किसका आंसर चाहिए? 8 का। तो 48,600, 87,480 फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में कितनी थी? 60,000 रुपए। क्वांटिटी आपके पास है 4 और 8, आंसर आपको निकालना है। आप कितना लिखेंगे? 177,150 और 168,435। अच्छा जैसे जैसे क्वांटिटी ज्यादा बनने लगी आपकी कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गई? कम। इसकी कितनी वजह? एक तो लर्निंग कर्व है जिसकी वजह से लेबर कॉस्ट पर यूनिट कम होगी, और दूसरा फिक्स कॉस्ट पहले भी 60 अब भी 60 है, तो पहले 60,000 का बर्डन 4 यूनिट पे था, अब 60 का बर्डन किस पे? 8 पे है, जिससे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट भी क्या होगी? कम। तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट जो आपकी कम हो रही है उसकी दो वजह हैं, एक लेबर कॉस्ट पर यूनिट कम होगी और दूसरा आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट भी क्या होगी? कम। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपको करके दिखाना है। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 2 फिर क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी 2 क्वेश्चन और करने हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4। हाँ सेम है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। अभी कर लोगे तो कर लोगे, घर जाके कभी नहीं करोगे। तो जब भी आपकी नेक्स्ट प्रोडक्शन प्रीवियस प्रोडक्शन का डबल होगा, समझ लो आपको एवरेज टाइम पर यूनिट की मदद से आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो पता कैसे चलता है कि नेक्स्ट प्रोडक्शन प्रीवियस प्रोडक्शन का डबल है कि नहीं? तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। इसका मतलब यदि प्रोडक्शन आपको 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे लिखी हुई दिखाई दे तो समझ लो आपको सिंपल क्वेश्चन मिल गया एग्जाम में। और यदि आपकी प्रोडक्शन ऐसे नहीं है
कभी चार है, कभी आठ है, कभी दस है, कभी पंद्रह, कभी बीस है, तो समझ लो आपकी किस्मत में एक बढ़िया क्वेश्चन है। फिर मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे ऑब्वियस है, फिर आठ नंबर के आसपास का क्वेश्चन बन जाएगा वो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी लगभग सबको सेम है, थोड़ी सी चीज आपकी डिफरेंट है। तो फर्स्ट की जगह क्वेश्चन नंबर टू बनाने में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी। रेट आपका 15 रुपए से कितना है? 25। अच्छा, मेटेरियल कॉस्ट आपका 1.5 लाख की जगह कितना हो गया? 2.5 लाख। और फिक्स कॉस्ट कितना हो गया? 1.20। तो देखिए, लेबर आवर्स तो सेम रहेंगे, लेबर कॉस्ट आपकी 2500 रुपए के हिसाब से 25,000, 45,000, 81,000 और कितना आएगा 1,45,800। यहां तक कर दिया।